गाइस, मैं हूँ देवलीना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। तो आज का वीडियो जो है वो है हेयर रीग्रोथ के ऊपर, यानी कि अगर स्पेशली फीमेल या मेल जो भी है उस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं जो मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बाल पैटर्न मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है ऑब्वियसली। सो मेल का बाल पैटर्न जो होता है वो यहाँ सामने से एंड क्राउन एरिया से जाता है, फीमेल बाल पैटर्न जो है वो सामने से यू हेयर लाइन रिसाइड होता रहता है, राइट। सो अगर आपकी भी हेयर लाइन रिसाइड हो रही है या फिर आपके क्राउन से हेयर जा रहे हैं या कहीं से भी आपके हेयर लॉस हो रही है, अगर आपके बाल कुछ इस तरह से है, अगर जैसे कि मेरे ये बहुत पहले थे इस तरह से, एंड यूजिंग द रेमेडीज आई हैव गेंड माई हेयर इन हेयर लाइन, तो वो कैसे मैंने किया है वो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इसका गारंटी मैं आपको देती हूँ, खुद 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ, विद इन वन मंथ आपको जो है आपका जो हेयर ग्रोथ है वो आ जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा विद इन वन मंथ, यानी कि विद इन 30 डेज। एंड मैंने वीडियो में टाइटल में या थंबनेल में मैंने मेंशन किया है कि विद इन 15 डेज, राइट, इन 14 डेज और 15 डेज आपका हो जाएगा। तो क्यों लिखा है, रिजल्ट आपको दिखेगा विद इन 15 डेज, विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे। एंड उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं और भी 1 मंथ से ज़्यादा भी आप अगर उसको कंटिन्यू करते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स के लिए, देन क्या ही कहना, देन आपकी जो हेयर ग्रोथ है, आपकी जो हेयर की थिकनेस है, उसको मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द रेमेडी, की रेमेडी क्या है उसके बाद बताऊँगी कि कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो रेमेडी के लिए हमें चाहिए 4 चीज़ें, एंड 4 चीज़ों में सबसे पहले हम ले लेंगे अनियन यानी कि प्याज। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 मीडियम साइज़ का अनियन, एंड देन आपको चाहिए यहाँ पे 1 से 2 इंच टुकड़ा जिंजर यानी अदरक का। सो अनियन एंड जिंजर दोनों ही मैं आपको कई सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें काफ़ी जो अनियन है उसमें सल्फ़र होता है, सल्फ़र आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके उसको उसका स्ट्रेंथ पावर बढ़ाता है एंड हेयर फॉल को रोकता है प्लस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड जिंजर में होता है जिंजरॉल जो कि आपके हेयर के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है एंड हेयर जो आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड आपके हेयर फॉल को स्टॉप करता है। सो जिंजर एंड अनियन दोनों को यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे एक साथ एंड इनका जूस निकाल लेंगे। सो इस जूस में हमें ऐड करने हैं 2 और चीज़ें, एंड वो है जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। यस, तो कैस्टर ऑयल तो आपने सुना ही है एंड जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, तो अगर आपके पास जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल नहीं है देन मैं कहूँगी प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज कैस्टर ऑयल, नॉर्मल कैस्टर ऑयल एंड जमैकन कैस्टर ऑयल में क्या डिफरेंस है। तो जमैकन कैस्टर ऑयल जो है, जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, वो जमैका से आता है एंड थिक होते हैं। तो अगर आपको भी डार्क ब्लैक एंड थिक हेयर चाहिए देन ज़रूर जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल को ट्राई कीजिए। किसी भी ब्रांड का परचेज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये काम करेगा, बट मेक श्योर कि वो 100% प्योर जमैकन कैस्टर ऑयल है। तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रही हूँ वो भी आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वो है ये होली नेचुरल का 100% ऑर्गेनिक जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल। सो जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल में होता है ओमेगा 9 फैटी एसिड जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इवन अगर आपके बाल बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं, तो उनको मोटा करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड अगर आपके स्प्लिटेंस आ गए हैं एंड आप कट नहीं करना चाहते अपने बालों को, देन आप जमैकन कैस्टर ऑयल अपने हेयर एंड्स पर लगा सकते हैं एंड वो आपके स्प्लिटेंस को रिपेयर भी करता है, यू नो, विदाउट कटिंग योर हेयर। जो लोग चाहते हैं कि अपने बाल ना काटे, स्प्लिटेंस जो है वो ठीक हो जाए, देन जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल हम यहाँ पे 1 स्पून लेंगे, 1 टेबल स्पून, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे आमंड ऑयल। प्योर आमंड ऑयल हमें यूज़ करना है। आमंड ऑयल में विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स जो कमज़ोर है या फिर आपके हेयर स्ट्रैंड्स जो कमज़ोर है, वीक है, जो बीच से टूट जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ही इन्ग्रीडियंट्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इनको अपने स्कैल्प में स्पेशली अप्लाई कर लेंगे, जहाँ जहाँ आपके बालनेस
बाल्डनेस आ गई है या फिर हेयर लॉस हो रहा है वहाँ पे आप पूरे स्कैल्प में इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए एंड देन इसको आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे. अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं देन एटलीस्ट 2 घंटा आप इसको अपने स्कैल्प में रखेंगे. आप इसको पूरे हेयर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपके स्प्लिटेंस भी ठीक हो जाएंगे, आपके डैमेज हेयर्स भी ठीक हो जाएंगे. एंड देन आफ्टर 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम ओवरनाइट रखने के बाद इसको अच्छे से आप शैम्पू कर लीजिए. एंड शैम्पू एंड कंडीशनर कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है. हेयर वॉश कैसे करना है तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए. इस रेमेडी को अगर आप ऑल्टरनेट डेज यूज़ करते हैं यानी वीक में 3 से 4 बार अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं देन विद इन 15 डेज, विद इन 2 वीक्स आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा. एंड अगर आप इसको वीक में 1 बार यूज़ करेंगे देन आपको इसका रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है, यू नो 1 महीना लग सकता है या फिर 1.5 महीना लग सकता है, मैक्सिमम 2 महीना आपको लग सकता है. सो अगर आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, देन मेक श्योर कि आप इसको वीक में 3 से 4 बार यूज़ कर रहे हैं. एंड शैम्पू अच्छे से आपको करना, अच्छे से बाल धोना है बिकॉज इसमें कैस्टर ऑयल है, अनियन है, जिंजर है, आमंड ऑयल है. अगर ये थोड़ा सा भी बालों में रह जाता है आपका जो हेयर फॉलिकल है वो ब्लॉक हो जाएगा एंड हेयर फॉलिकल ब्लॉक होने पे हेयर फॉल होने की चांसेस हो सकते हैं. इसलिए अच्छे से हेयर वॉश करना एंड इसको गंदे बालों में बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है, साफ बालों में अप्लाई करना है. अदरवाइज़ आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा. तो आज का वीडियो यहीं तक था. इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, इसको ज़रूर ट्राई करना. तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.